फाइनली अब हम लोग जाएंगे यहाँ से लंच करने ना सर। हाँ लंच करना एक्चुअली मैं आपको रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ कुछ बड़े। अच्छा बट नहीं सर प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरी मीटिंग है एक्चुअली 5 बजे। अच्छा तो अभी हम लोग चल रहे हैं हल्दीराम्स। अच्छा ठीक है सेफ सेफ इन द सेंस ठीक है हाइजीन रहता है और हल्दीराम्स में ऑप्शंस भी ठीक ठाक नॉर्थ इंडियन मिल जाते हैं। सो इस शो का नाम रहेगा लंच विद रामो सर। अच्छा आपको क्या लगता है सिलेक्शन के लिए जगह मैटर करता है? जगह नहीं आज के टाइम में इंटरनेट के आने के बाद स्पेशली जियो के बाद हर किसी के पास इंटरनेट है मोबाइल है तो कंटेंट तो पावरफुल एक्सेस सबके पास है। अब इंटेंट चाहिए मैं ये बोलता हूँ अब कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं इंटेंट का प्रॉब्लम इंटेंशन है क्या क्लियर करने की अगर होगा तो एग्जाम निकलेगा। अब तो जो बच्चा गांव से है हाँ, जो बच्चा ढूंढ ढूंढ के अपना भी यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहा है वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बिल्कुल। मेरा देखो सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम क्या है मुझे लगता है या पेड कोर्सेज का एडवांटेज क्या है वो सिर्फ इतना है कि वो आपको एक शेड्यूल देता है और टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका क्योंकि आपको पता है ये टाइम क्लास का है ये कॉन्टेंट आपको देखना है। यूट्यूब पर आपको सेल्फ गाइडेड होना पड़ता है तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या कॉन्टेंट देखना है कहाँ से देखना है और अगर आप उस पर स्टिक हो तो सेल्फ स्टडी करके निकाल सकते हो आप एग्जाम फॉर श्योर निकल सकता है और डेडिकेशन चाहिए। हाँ एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ में टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और रटते हैं मैथ तो आपको क्या लग रहा है मेरा कहना कि एक्सप्लोर करो मैथ? यार मेरा तो पूरा आई थिंक जर्नी है ये मैं यही लोगों को समझाता हूँ कि मैथ्स इतिहास नहीं है ठीक है कि इसको रट लो आपको लॉजिक के साथ मैथ्स करना पड़ेगा तभी आप बेहतर बनोगे। आप एग्जाम में अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के करो रटो ब्लाइंडली टाइप वाइज कर सकते हो क्वेश्चंस वो अच्छा है रिविजन के लिए ठीक है बट जो सवाल आप कर रहे हो ना उन सवालों की गहराई में उतरना जरूरी है समझो कि क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ तभी आप अच्छा कर पाओगे। और अब तो जैसे क्वेश्चंस कम हो गए मेंस में तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस और अच्छे हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप कितना तवज्जो देते हैं? इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कैलकुलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और इग्नोर करके नहीं चल सकते स्पीड का ही गेम है अल्टीमेटली आप नॉलेज कितना भी ले लो अगर आप स्पीड नहीं दे पाए ना वहाँ पर तो भी कुछ नहीं। अच्छा एक चीज़ और इंग्लिश में वो कैप आपको क्या लगता है प्रीवियस ईयर कर लेगा तो इनफ है कि नहीं? वो कैप देखो मेरी इंग्लिश मैं कैट में बहुत अच्छी परसेंटाइल फोड़ चुका हूँ अंग्रेजी में भी बट मेरी कन्वेंशनल इंग्लिश की लर्निंग है ही नहीं कि कोई किताब से वो कैबलरी कर डाली मेरा रीडिंग बेस ज़्यादा रहा है मैंने बहुत इंग्लिश पढ़ा है और पढ़ के इंग्लिश की समझ डेवलप की है तो मैं इंग्लिश के बारे में गाइड करने के लिए सही आदमी नहीं ठीक है और रीजनिंग के लिए कुछ बता दीजिए क्या इन लोगों को करना चाहिए? रीजनिंग मोस्टली आई थिंक मॉक टेस्ट और यूट्यूब से पढ़ सकते हो आप रीजनिंग अगर चाहो अगर ठीक से करना तो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है जो प्रॉब्लम करेंगे आप एक बार मॉक टेस्ट दो मॉक टेस्ट देखे एरियाज देख लो कहाँ कुछ नहीं आता तुमको उन टॉपिक्स का। अभी एक तारीख को एग्जाम है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को अभी क्या करना चाहिए? देखो एग्जाम एक तारीख को है बहुत समय कम है और एक ही बात याद रखना कि 1 दिसंबर से जो एग्जाम है ठंड का टाइम नॉर्थ इंडियन जो बच्चे ना थोड़ा सा एक आलस भी ठंडी में आता है तो थोड़ा सा एग्जाम अभी तो 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है शायद ना सुबह सुबह शुरू हो रहा है 7 बजे तो थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करो जिनका शिफ्ट जल्दी है वो टाइमिंग में सेट होना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी को उस टाइम पर सेट करो और डरो नहीं आप कट ऑफ का चक्कर नहीं है एटलीस्ट है ना आई थिंक प्री में ज़्यादा लोग होंगे कितने नंबर लाने इतना मैटर नहीं करता क्वालिफाइंग है तो रिविजन करो जितना अभी कर सकते हो और अच्छे से इंप्लीमेंट करो बहुत डरो मत डरने से सब खराब ही होता है। और कितने लोग तो मॉक नहीं दे रहे हैं आज के भी टाइम में अब तो भाई कम से कम प्रीवियस ईयर मॉक तो दे लो यार। हाँ। एक बच्चे ने भी परसों मुझे कमेंट किया कि सर मैंने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया तो आप ऐसे लोग क्या बुलाया जाए नॉन सीरियस में एक मॉक तो दो मॉक दो टाइम सेटिंग तो जरूरी है ना कि कैसे एग्जाम में आप बैठोगे। सो आई होप आप लोगों को गाइस काफी कुछ सीखने को मिला रेमो सर से और जल्दी से सिलेक्शन लो और रेमो सर से मिलने आओ यार वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटीज आई एवर सीन। आपके रैंक टॉप 10 में है तो टॉपर ही तुम ही आओ आपने जॉब ले लिया अपने आप में टॉपर। देखो रैमो में टॉपर्स का मतलब ये नहीं है जो लोगों का मिसकंसेप्शन है एक्चुअली होता क्या है लोग रैंक 1 को देखते हैं रैंक 2 देखते हैं रैंक 3 देखते हैं कि वो शो में आ रहा है तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर अगर रैंक बहुत अच्छी नहीं है तो हम नहीं आ सकते। मेरे डेफिनेशन जो टॉपर की है कि किसी ने भी अगर एग्जाम निकाले तो टॉपर है और हमारे शो में ऐसा नहीं है कि आप देखोगे बाद के रैंक वाले बच्चे आते हैं लेकिन लोगों को एक मिथ क्रिएटेड है कि वो रैंक 1 ही आए। अब रैंक 1 को बुलाना है रैंक 2 को बुलाना है
कोई भी स्टॉप और शो में अगर रैंक वन नहीं आ रहा है, रैंक टू नहीं आ रहा है, रैंक थ्री नहीं आ रहा है, तो शो का भी मजा नहीं है, उनको तो बुलाना ही है। वो भी आते हैं और आप देखोगे हमारे यहाँ बाद के रैंक वाले लोग भी आते हैं, हम स्टोरीज पिक करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा भाई। रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर को तो बुलाना ही है, बट बाकी स्टोरीज हैं, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो आप रैंक के टॉपर आओगे, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करते हैं काफी कुछ आपको सीखने को मिला है। आओ ठीक है, सिलेक्शन लो और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।